उसका कैच भी रिजवान ने छोड़ा उसामा मीर के, जब लास्ट ओवर वो कर रहे थे उस वक्त अभी 40 रन पड़े हुए थे, अगर वो कैच पकड़ लेते, मुश्किल तो था, आई नो एज लगा है, मुश्किल कैच तो होता है, पर आपको पता 19-20 चांस अगर वो पकड़ लेते तो शायद पाकिस्तान का सिनेरियो मैच, पाकिस्तान सीरीज जीत भी सकता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का डिसाइडिंग मैच 1-1 से बराबर था सीरीज, तीसरा मैच। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, दो चेंजिंग की पाकिस्तान ने, मामलाक को बाहर बैठाकर शान मसूद को चांस मिला, नसीम शाह को रेस्ट करवा के हसनैन को चांस मिला, ये सारी चीज़ें। उसके बाद पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें, मामला की जगह शान मसूद को चांस मिला, वाइस कैप्टन, और पाकिस्तान टीम जल्दी आउट होकर पवेलियन में वापस चले गए। उसके बाद इनफॉर्म बैट्समैन बाबर आजम जल्दी आउट हो गया, तो काफ़ी प्रेशर आ पाकिस्तान टीम के ऊपर, जिसका भरपूर सहारा दिया फखर जमान और रिजवान की उमदा बैटिंग, जिन्होंने दोनों ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। एक टाइम पर लग रहा था कि ये दोनों पाकिस्तान को 300-300+ रन तक ले जाएंगे, और ज़बरदस्त पाकिस्तान की सेकंड थर्ड विकेट हाईएस्ट पार्टनरशिप है ये, बहुत उमदा खेल का मुजाहरा किया। 8वीं सेंचुरी स्कोर की फखर जमान ने, जो के उसको ज़रूरत भी थी, टीम को भी ज़रूरत थी उस वक़्त, उन्होंने अच्छा खेल किया। रिजवान ने बड़ी पॉजिटिव इनिंग खेली, 50+ रन बनाए उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया दोनों बैटर ने। बट जैसे ही फखर जमान आउट हुए, न्यूजीलैंड ने एक दफ़ा फिर कम बैक किया और पाकिस्तान के गाय बगाय आउट होते गए, और पाकिस्तान ने फिनिश किया, 280 रन पाकिस्तान ने बनाए। देखें न्यूजीलैंड की एक चीज़ बड़ी अच्छी है, वो 20 से 25 रन तो फील्डिंग में वो रोकते हैं, वो जिस तरह से फाइट करते हैं, जिस तरह से वो रनिंग करते हैं, ग्राउंड के अंदर भागते हैं, वो कोई भी चांस मिस नहीं कर पाते। उन्होंने 2 रन आउट किए पाकिस्तान, फखर जमान को रन आउट किया, गलती फखर जमान की है, डाइव मारते तो शायद बच जाते। उसके बाद हारिस सोहेल आउट हुए, रन आउट हुए, उस वक़्त पाकिस्तान टीम को ज़रूरत थी, वो रन आउट हुए, उमदा फील्डिंग का मजारा किया न्यूजीलैंड ने, बड़े अच्छे अच्छे कैचेस पकड़े, इवन सब्स्टिट्यूट फील्डर ने आके 2 रन आउट और एक कैच पकड़ा, और एक जब प्राइज सेरेमनी हो रही थी तो सब्स्टिट्यूट को भी बेहतरीन फील्डर के तौर पर अच्छा कैच करने पर उसामा मीर का उनको प्राइज भी मिला। ये थी उनकी बॉलिंग। बॉलिंग उन्होंने बड़ी अच्छी की, नफीत उली स्पिनर ने एक दफ़ा फिर बाबर आजम को ऑफ स्पिनर ने आउट किया। बाबर आजम थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव तरीके फॉरवर्ड जाते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड चले जाते हैं, उसके बाद वो रहते हैं। ब्रेक हो रहा था लास्ट गेम में, इस गेम में कम ब्रेक हो रहा था, उसी को मद्देनजर है वो खेले और स्टंप वो आउट हो गया। लास्ट गेम में भी वो ऐसे ही आउट हुए थे, स्टंप आउट हुए थे रवस खेलते हुए। बट जब पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हुई तो पटाई फास्ट बॉलर को होना शुरू हो गई, पाकिस्तान ने भी अली विकेटें लीं। उसके बाद उमदा बैटिंग की, कॉनवे का कै जो DRS पे नहीं लिया कप्तान ने, जब मोहम्मद नवाज ने कॉन्फिडेंट नहीं थे उन्होंने नहीं लिया, वो भी डायरेक्ट लग रहा था उस वक्त, उसके 17 गड़बड़ रन से 50+ उन्होंने स्कोर कर लिया। विलियमसन अच्छा खेल गए, 50 उन्होंने किया, जो गेम का सारा सिनेरियो चेंज किया वो फिलिप्स से थे। फिलिप्स ने आते ही पाकिस्तान की बॉलिंग की लाइट ही बंद कर दी, और वो खुद जगमगाते रहे ग्राउंड के अंदर, जागते रहे। एक्चुअली फिलिप्स पाकिस्तान का, देखें, लाइटिंग के हवाले से फेमस ब्रांड है, और फिलिप्स ग्राउंड के अंदर आए तो पाकिस्तान के बॉलर की लाइटें ही बंद हो गई। उन्होंने बहुत पॉजिटिव इनिंग खेली, बहुत मज़ेदार उन्होंने शॉट्स खेली, उन्हें 4 छक्के 4 चौके लगाए और मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। उनकी जारहाना बैटिंग देखने के काबिल थी, बड़े बड़े छक्के उन्होंने मारे, और मोस्टली उन्होंने फास्ट बॉलर के ऊपर अटैक किया। उसका कैच भी रिजवान ने छोड़ा उसामा मीर के, जब लास्ट ओवर वो कर रहे थे उस वक़्त, अभी 40 रन पड़े हुए थे, अगर वो कैच पकड़ लेते
मुश्किल तो था, आई नो एज लगा है मुश्किल क्या तो होता है, पर आपको पता 19-20 चांस अगर वो पकड़ लेते तो शायद पाकिस्तान का सिनेरियो मैच पाकिस्तान सीरीज जीत भी सकता था। फील्डिंग में पाकिस्तान ने भी 2 रन आउट किए, मिस फील्डिंग भी पाकिस्तान ने काफ़ी की। देखें न्यूजीलैंड ने रनिंग बिटवीन द विकेट जो की है वो दैट वाज एक्सीलेंट, वो 20 से ज़्यादा रन उन्होंने पाकिस्तान के फील्डर के हाथों से लिए हैं और पाकिस्तान के फील्डर ने 20 से ज़्यादा रन दिए हैं, तो ये ऑलमोस्ट 40 रन की तो ये इनकी बर्तरी आ गई न्यूजीलैंड की। ये रोकते भी 20-25 रन हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट भी वो 20-25 रन वो ले जाते हैं, तो 30-40 रन का जो तो डिफरेंस कभी भी ख़त्म नहीं होता और बड़े पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने बहुत जारहाना किस्म की बैटिंग की। रही कैप्टन की बात, टाइम जब फ्रेम आता है ना, देखें जब बॉलर को बॉलिंग देनी होती है वो टाइम देखना चाहिए कि किस बॉलर को किसके सामने कैसे बॉलिंग। जब फास्ट बॉलर आए, फिलिप्स खेल रहे थे, फिलिप्स ने आते ही अटैक किया तो स्ट्रेट वे जो स्पिनर के जितने ओवर बाकी थे उनको करवा लेना चाहिए था ताकि वहीं पे उनके विकेट मिल जाती, नहीं तो एवरेज थोड़ी हाई हो जाती। हमारे फास्ट बॉलर ने आज कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की, बॉलिंग का मज़ारा नहीं किया। स्पिनर ने काफ़ी, देखें सलमान अली आगा ने आज 10 ओवर किए, 2 विकेट भी उन्होंने लिए, बहुत उमदा उन्होंने बॉलिंग की। उसामा मीर ने नो बॉल भी किया, नो बॉल स्पिनर को नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मोहम्मद नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, तो स्पिनर ने तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया। फास्ट बॉलर ने आगे मार खाई है और आज स्नैन को चांस मिला था नसीम शाह की जगह से। नसीम शाह बड़े परफॉर्मर पाकिस्तान के रहे हैं ODI में, 5-6 में उनको आज फिर रेस्ट दे दिया गया क्योंकि उनकी इंजरी का इशू था, शायद उसकी वजह से उसको रेस्ट दिया गया। मामला को भी रेस्ट दिया गया, शायद उनकी भी इंजरी का मसला था। बट ये है कि इसका लॉस ये हुआ कि पाकिस्तान सीरीज हार गया और पहली दफ़ा न्यूजीलैंड पाकिस्तान में कोई सीरीज जीता है, ODI सीरीज। पहली दफ़ा हिस्ट्री में कोई सीरीज जो पूरी हुई है, मैचेस वो जीते हैं पहले भी, पर सीरीज पहली दफ़ा न्यूजीलैंड पाकिस्तान के अंदर आके पहली दफ़ा जीता है। तो मेरी बेस्ट विशेस है उनके लिए, वेल डन, कंग्रेचुलेशन। कॉनवे बेहतरीन परफॉर्मेंस रही उनकी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो करार पाए, बेस्ट बैटिंग उन्होंने की। आज भी उनका एक चांस मिस हो गया, अगर DRS पे, ये मैं इसमें कप्तान का कसूर नहीं कह सकता, एक्चुअली बॉलर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कीपर को होना चाहिए, कप्तान तो फील्डिंग में खड़ा होता है, इन्होंने जोर देना होता है कप्तान को कि डिसीजन ले, नहीं लिया, मिस हो गया, पाकिस्तान मैच भी मिस कर गया। हार्ड लक, देखते हैं पाकिस्तान आने वाली अब कौन सी सीरीज पाकिस्तान के लिए अच्छी होती है। बट जो भी पाकिस्तान ने खेला पिछले 2 माह में, स्पेशली टेस्ट मैच में बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है। अब ODI खेले हैं तो पाकिस्तान ODI भी होम सीरीज हार गया, उधर इंडिया हर होम सीरीज जीत रहा है तो पाकिस्तान हमारी होम सीरीज हम हार रहे हैं, विकेटें अच्छी नहीं तैयार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब नई मैनेजमेंट भी आएगी, नई सिलेक्शन कमेटी आ चुकी है, देखते हैं आगे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का क्या हाल होता है। जल्द दीजिए, अल्लाह हाफिज़।